हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चने कशिया ली हैं, जिसमें शुगर है, सेल्फ राइजिंग फ्लावर है, थिकन क्रीम है, ग्रीन कार्डमम्स हैं और फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। सबसे पहले हम 5 कप वाटर जो है वो एक पॉट में लेंगे शीरा बनाने के लिए, शुगर सिरप बनाने के लिए। और इसमें हमने 4 कप्स जो है वो रॉ शुगर के डालने हैं। रॉ शुगर हम आमतौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं, हम इसके टेस्ट के आदी हैं और बनिस्पत वाइट शुगर के इसका टेस्ट हमें पसंद है। आप चाहें तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 5-6 ग्रीन कार्डमम्स जो हैं वो डाल देनी है खोल कर। और अब हम गुलाब जामुन का डो बनाते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप जो है सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है। इसको हमने छान लेना है ताकि इसको गूंदने में आसानी हो। सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है ये ऐसा फ्लावर है या ऐसा मैदा है जिसके बीच में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो है वो ऑलरेडी मिलाया हुआ होता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की बू नहीं है, जो कि हम अगर अलग से मैदे में डालें तो आती है। और गुलाब जामुन के जायके में हमक पैदा कर देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। 2 कप्स जो है वो हमने फुल क्रीम मिल्क पाउडर का लिया है। अब ये देखिए, हमने इसको गूंद लिया है क्रीम से। क्रीम जो हमने यूज़ की है ये आम फ्रेश क्रीम है, जिसको थिकन क्रीम या व्हिपिंग क्रीम वगैरह भी कहा जाता है। गुलाब जामुन बनाने के लिए या रसमलाई वगैरह बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसके डो का टेक्सचर है, और दूसरी चीज़ जो है वो टेम्परेचर है ऑयल का। आप इसको हाथ से गूंथ लें, कोई देर नहीं लगती, चूंकि इसमें क्रीम होती है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, तो ये हाथ को नहीं लगता, बड़ी आसानी से जो है ये गूंथ जाता है। शीरा जो है उसको हमने थोड़ा सा उबालना है, 10 मिनट उबालना होगा और उसके बाद उसकी हीट जो है वो बंद कर देनी है। अब हम एक पैन में कुकिंग ऑयल लेते हैं गुलाब जामुन तलने के लिए, और अब हम डो के गुलाब जामुन बना लेंगे। गोल गोल बनाए हैं हमने, इसको बनाते हुए ये ध्यान रखें कि इसके बीच में कोई क्रैक ना हो, तो बिल्कुल गोल मुलायम गुलाब जामुन आपने इस तरह बराबर के बनाने हैं। और ये याद रहे कि ये फूल कर करीबन दुगने हो जाते हैं, ये मार्बल से थोड़े से बड़े हैं। अब हमने इनको तल लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ऑयल और ठंडा भी ना हो, मीडियम हीट पर आप इसको रख छोड़ें, और इस तरह पर आपने गुलाब जामुन को हिलाते रहना है। वैसे तो ये जिस तरफ से पकें खुद ही दूसरी तरफ को फिर पलट जाते हैं वजन की वजह से, चूंकि कच्चा जो है वो भारी होता है। जब ये इस तरह से लाल हो जाए तो आप इनको पेपर टॉल पर निकालते रहें। इसके बाद जो गुलाब जामुन है और जो शीरा है वो दोनों नीम गर्म हो जिस वक्त आप इनको मिलाते हैं, और शीरा भी जो है वो लूक वार्म हो, इतना गर्म हो कि आप उसमें उंगली डालें तो वो जले नहीं। तो सबसे अच्छा सिरप जो है वो उस वक्त गुलाब जामुन एब्जॉर्ब करती हैं। पॉट जो है वो खुली हो, अगर वो तंग होगी तो गुलाब जामुन जो है वो टाइट हो जाएंगी बीच में और ऊपर तक उनमें शीरा फिर नहीं भरेगा। तो ये देखिए, हमने इनको शीरे में अब डाल दिया है, और ये देखिए हमारी गुलाब जामुन जो है ये फूल करके इस तरह से पैक हो गई हैं, और इनमें बहुत अच्छी तरह से शीरा जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। गुलाब जामुन जो है इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आप निकाल कर ओवरनाइट बाहर रखते हैं और माइक्रोवेव करें तो बिल्कुल ये फ्रेश की फ्रेश होगी। आज के दौर की घर में गुलाब जामुन तैयार करने की ये एक बेहतरीन रेसिपी है, तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।